नमस्कार दर्शकों, तो हम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेके राशिफल। आपका कैसा कटेगा बुधवार का दिन, आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल, क्या कहती है आपकी कुंडली, क्या कहते हैं आपके तारे, आपके सितारे, यही सब जानने की कोशिश होगी आज के इस खास राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में थोड़ी समस्या आ सकती है पर शीघ्र ही निदान हो जाएगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा, खान पान की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जोखिम भरे फैसले ना लें। परिवार में बुजुर्गों के साथ की चिंता हो सकती है, आज नए काम शुरू ना करें। लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। भाइयों के बीच आज प्रेम बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज कुछ दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है, इस मामले में आप सावधान रहें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें तो ही अच्छा है। पार्टनर से सलाह किए बिना कोई फैसला ना लें। आपके कुछ काम अटक सकते हैं, नए काम हाथ में ना लें। सेहत नरम हो सकती है। आज बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। आज आपको अपने कुछ काम में निराशा हाथ लग सकती है। आज अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। काम में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आज आप प्रसन्न नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने रिश्तों को कायम रखने का दिन है। आप पाएंगे कि आज हालात समाप्ति के दौर पर हैं, पर यह परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदली हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लें। घर से अलग रहने को मजबूर लोग शुरुआती परेशानी का सामना कर सकते हैं। मित्रों एवं परिजनों के साथ मनमुटाव होने की और आरोग्य बिगड़ने की संभावना है। आज का दिन मध्यम फलदायी होगा। प्रेम के मामले में अस्वीकृति झेले जाने की संभावना नजर आ रही है। आज आपको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। सड़क पर चलते समय चारों दिशाओं का ध्यान दें, वे अपने दिमाग से आप आज काम लें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज आपके व्यापार धंधे में खूब सफलता मिलेगी, कानूनन कतई ना फंसें, इसका ध्यान जरूर रखें। व्यापार धंधे के लिए भावी योजना सफलतापूर्वक संपन्न होगी। किसी के साथ पैसे की लेन देन को लेकर सफल रहेंगे। देश विदेश में व्यवसाय करने वालों को फायदा होगा। घर में परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बिता लेंगे। धन लाभ का योग है। कार्य में यश मिलेगा, प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर सकेंगे। प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे। पिता से व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल पाएगा। अपने काम में पूरी सजगता रखें। पूंजी निवेश करना लाभदायी रहेगा। आज के दिन किसी से छेड़खानी करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज के दिन आपको संभल कर चलना होगा, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज नौकरी की जगह आपको उच्च वर्ग के अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव करेंगे। व्यवसाय में परेशानी खड़ी होगी। दूर के प्रवास का आयोजन होगा। धार्मिक यात्रा का योग है। लेखन और साहित्य सर्जन जैसे कार्यों में आपका मन लगेगा। धन लाभ की भी समस्या आपकी खत्म हो सकती है। चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों का हाल। आज ज्यादा खर्च का दिन है। परिवार का वातावरण भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद के प्रसंग खड़े होंगे। मन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रहेगी। आर्थिक प्रयासों में परिश्रम अधिक करना होगा, तभी जाकर आय के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। आय जितनी होगी खर्च भी उतना ही होगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। मन दुविधा युक्त रहेगा। बोलने पर आज संयम रखें। किसी के साथ वाद विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है। गलत फहमी हो तो फौरन खुलकर बात करें, इससे बात जल्दी खत्म हो जाएगी।
आरोग्य के प्रति लापरवाह न रहें, मान प्रतिष्ठा का भंग होगा। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों का हाल। आपके संबंधों के प्रति त्याग से मधुरता आएगी। आज पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। महिलाएं संतान के प्रति अति संवेदनशीलता न रखें। साहस व पराक्रम के साथ किए गए प्रत्येक कार्यों में आपको आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। दिन कुछ भ्रम से शुरू हो सकता है। आध्यात्मिक झुकाव वाला व्यक्ति आपकी बचाव में आ सकता है। व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करेगा, आप उनकी सलाहों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें शुद्ध इरादों के साथ दिया जाता है। आज आप एक पवित्र स्थान पर जा सकते हैं। दिन का दूसरा भाग आसानी से पारित होगा। आप दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। आपकी कामयाबी में आपके गरीबी लोगों का योगदान रहेगा। बेरोजगारों को मनचाहा काम मिलने के आसार हैं। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपना बहुमूल्य समय किसी काम में लगाएं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। मामलों में सुलझाने की कोशिश में योजनाओं और मनोभावों में बदलाव आ सकता है। खुद को किसी भी गलत और गैर जरूरी चीजों से दूर रखें, क्योंकि आप उसकी वजह से मुश्किल में फंस सकते हैं। चलिए जानते हैं धनु राशि वालों का हाल। आज ऑफिस में किसी की बुराई करने से परेशानी होगी। कुछ लोग फालतू बातचीत में भी समय खराब कर सकते हैं। किसी और तरीके से रुकावट भी पैदा करेंगे। भविष्य को लेकर कोई आशंका आपके मन में रहेगी। परिस्थितियों से मजबूर होकर आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज आपका सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। किसी भी दस्तावेज पर बिना पड़े हस्ताक्षर न करें। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रभाव कम होगा। नई योजनाएं आकर्षण होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। लंबी यात्राएं फलदायी साबित होंगी, वे अच्छे परिणाम देने वाली रहेंगी। वैवाहिक जिंदगी आपकी बेहतर होगी। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं आज आपके लिए दिन की शुरुआत ऊर्जापूर्ण रहेगी, लेकिन व्यवहार में आक्रामकता हो सकती है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ रोचक और नए अनुभव मिलेंगे। पढ़ाई या करियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे। कई चीजें सीखेंगे, कुछ कामों में नए अनुभव मिलेंगे। आज कुछ पारिवारिक तनावों से मन अशांति का एहसास करेगा। कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। चलिए अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बातों को फिर से लाकर खड़ी कर सकती हैं, जिससे आप बचना चाहते थे। हर समस्या का समाधान अब आपको साफ दिखने लगेगा। अगर आपका नजरिया आसपास के लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों, तो आपको लाभ होगा। साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है। दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। तो देखा दर्शकों, हमने आपको बताया आज के राशिफल के बारे में। ऐसे ही धर्म, कर्म और राशिफल से जुड़ी तमाम अहम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।